कोरोना काल की अच्छी खबर आपको कोरोना काल के एक ऐसे श्रवण कुमार से मिलाते हैं जिसने महज 11 साल की उम्र में अपने घायल पिता और मां को ठेले से घर पहुंचाया। वाराणसी से अररिया तक के करीब 700 किलोमीटर का सफर आखिर कैसे तय किया 11 साल के बच्चे ने, आइए आपको दिखाते हैं। आपने त्रेता युग के शरवण कुमार का नाम जरूर सुना होगा, वही शरवण कुमार जिसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराई। लेकिन आज हम आपको कोरोना काल के शरवण कुमार से मिलवाते हैं जिसने अपने लाचार बूढ़े माता पिता को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लिया। ये कहानी है 11 साल के तबारक आलम की। जी हाँ, जिस वक्त देश के कोने कोने से कोरोना संकट के दौर में मजदूरों के पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करने की तमाम तस्वीरें आ रही हैं, इसी बीच ये मासूम 550 किलोमीटर की दूरी 9 दिनों में तय कर अपने माता पिता को ठेले पर बैठा कर यूपी के वाराणसी से बिहार के अररिया लेकर पहुंच गया। दरअसल अररिया के जोकीहाट के रहने वाले तबारक आलम के पिता वाराणसी में ठेला चलाकर और मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे। दो वक्त की रोजी रोटी का जैसे तैसे जुगाड़ होता था, लेकिन एक दिन मजदूरी करने के दौरान पैर पर पत्थर गिरने से वो घायल हो गए। इसके बाद जैसे ही परिवार को उनकी खबर मिली, पत्नी और बेटा वाराणसी पहुंच गए और उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। मजदूरी में कमाए गए रुपए जब खर्च हो गए, तब घर लौटने की मजबूरी हो गई। तब घायल पिता और अपनी माँ को लेकर तबारक ठेले पर ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। उनका पैर टूट गया, हमको पता चला और उसके बाद मम्मी को पता चला, तो हम लोग कहे पापा का पैर टूटा है, चलिए लेके आया जाए उनको। हम लोग गए लाने के लिए, दो तीन दिन वहाँ पे रहे तो लॉकडाउन हो गया, तो गाड़ी उड़ी सब बंद हो गया, आने का कोई व्यवस्था नहीं था हम लोगों के पास। उसके बाद हम लोग ठेला था हमारे पास, उसके बाद हमने पापा से बोला, पापा चलिए ठेला से चला जाए। नाज है ऐसी औलाद पर, फक्र है ऐसे चश्मों चिराग पर जो अपने लाचार बेबस पिता का सहारा बना और हालात से जंग लड़ते हुए अपने माँ बाप को घर ले आया। तबारक के पिता भी अपने बेटे की बहादुरी से गदगद हैं। मार्च को जो है लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जो हम लोग फंस गए वहाँ, खाने पीने हर चीज में दिक्कत हो, तो बच्चे बोलने लगा कि पापा हम है ना चला लेंगे, हम चलिए आप, आपको रास्ता घाट देखा हुआ है मालूम है, चाहे जितना दिन लगेगा यहाँ भी बैठ के खा रहे हैं, रास्ते में जो जैसे होगा चलिए हम लेकर के चलेंगे। कोरोना बंदी में अररिया के शरवण कुमार की बहादुरी की चर्चा न सिर्फ बिहार के अररिया में बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में हो रही है। रास्ते में जिसने भी इस बहादुर बच्चे को देखा, लोगों ने भोजन और पानी से मदद की और वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये नन्हा श्रवण कुमार फेसबुक और ट्विटर पर छा गया। 11 साल का मासूम बच्चा है जो लॉकडाउन होने के बाद अपने अपाहिज बाप को, जिनके पैर टूट गई थी बनारस में, और इनकी एक माजूर माँ है जो एक आंख से अंधी है, नाबीना है, उनको बिठाकर ठेले पर ये बच्चा आएगा। 9 दिन में तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर तय करके आज अररिया के उदाहाट गांव पर आया है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इस बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित की जाए और दूसरा राज्य सरकार इसके पढ़ाई लिखाई के टोटल खर्चे को उठाए। हालांकि ये कोई इस तरह की पहली तस्वीर नहीं है, मजदूरों की बेबसी और पलायन की दर्द भरी कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह शरवण कुमार को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, वो दूसरों के लिए भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।